بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته। हमारा जी आज का सफ़र है जद्दा से रियाज। इंशाल्लाह इसकी जद्दा से रियाज का जो सफ़र है वो भी आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह, साथ साथ जो खसूसियात हैं, जो चीज़ें मुख्तलिफ हुई हैं वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। काफ़ी माशाल्लाह तब्दीली है न्यू एयरपोर्ट में, जो पुराना एयरपोर्ट था उसमें काफ़ी फ़र्क है। गेट नंबर जो है वो भूल गए थे, तो वो फिर अभी उन्होंने बताया है जी आपका गेट नंबर A8, तो अभी जा रहे हैं 18B की तरफ। नहीं नहीं माशाल्लाह, फ्लाइनास का ये वाला तैयारा जो है ये तो किसी और सिटी जा रहा है, हमारा जो तैयारा है वो इंशाल्लाह ये इस यानी हमारे वाला तैयारा ये है। माशाल्लाह पायलट बैठ गए, तैयारी हो गई है। ये सऊदी एयरलाइन का नया एयरपोर्ट है माशाल्लाह। الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين। والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على شهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुह। रियाज में एक बड़ा मारूफ मशहूर शवारमा है, उसका नाम है जी मामा नूरा। ये मामा नूरा है, ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह। ये शवारमा जो है ना वो यहाँ पे लग रहा है और धड़ाधड़ जो है ना वो माशाल्लाह लोग जो है वो इसको पसंद कर रहे हैं। और असल शवारमा जो है वो इस तरह से बनाया जाता है। इनके पास जो जितने भी शेफ़ हैं, मेरा ख्याल है कि वो सीरियन है या अरब है, लेकिन जो बात है वो ये है कि आप माशाल्लाह से रश भी देखें कि रश ऐसा है कि लोग जो हैं वो इतनी यानी इसको पसंद कर रहे हैं। इसका मकसद ये है कि आपको आज इनके शवारमे का जो टेस्ट है वो भी चेक कर दें, और फिर ये है कि आपके साथ इसका जो एक्सपीरियंस है वो भी शेयर करेंगे। वो है जी सामने, ये बीफ तो ऑलमोस्ट इनका फिनिश हो गया है और ये चिकन शवारमे के जो है ना वो लगे हुए इनके मुसलसल माशाल्लाह। जब भी आप रियाज आएँ, आप यहाँ पे आके सीरियन जो शवारमा है और इनके साथ भी जूसेस इनके बहुत ज़बरदस्त हैं, और इनकी मेरे ख्याल 2-3 ब्रांचेज हैं यहाँ पे पूरे रियाज में, और लोग माशाल्लाह से बड़ी बड़ी दूर से आते हैं और खूब जो है ना मशवार में चलता है। एक जो चीज़ मैं आपको बता दूं, अरब के खानों में बरकत भी होती है। उसकी वजह ये है कि अपने जो खाने हैं यानी एक तो आम रूटीन में जो लोग सदखात और रूटीन में देते हैं, ये अपने हर बिल के अंदर यानी एक शवारमा दिया तो उस बिल के अंदर भी इनका सदका ऐड होता है, ठीक है। तो
तो उसका तरीका कार यही है कि आप बेहतरीन अगर देखते हैं कि सुभानअल्लाह बरकत क्यों है, लोगों का रश क्यों है, तो उसमें कामयाबी की जो बड़ी वजह है जो मुझे समझ आती है वो ये है कि आप इनके हर बिल के अंदर जो है ना वो देखते हैं कि जैसे अलबेक है उसके बारे में मारूफ है, तो ये मामा नूरा के मुतालिक भी ये मारूफ है कि ये इनके हर उसके अंदर जो है वो सदका जो है वो लाजमी शामिल होता है। वो हाँ अल्लाह आप देखें जिन लोगों की है उनकी उसमें उसमें उस तजारत में अल्लाह ने कितनी बरकत दी है माशाल्लाह तबारक अल्लाह। ये है सारा मामला। तो अल्लाह करीम इंशाल्लाह जज़ाकअल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये जी मामा नूरा का मुशक्कल है मिक्स फ्रूट, तो देखते हैं इंशाल्लाह। और ये है इनका हमस और जैतून और सिरके वाला खीरा और ये प्याज की डली। ट्राई करें इंशाल्लाह। हमस गुड ले जी। हमारा जो है ना ये आ गया है मिक्स प्लेटर। ये है जी बीफ और ये है चिकन और ये इसके साथ मायोनीज, गार्लिक मायोनीज, गार्लिक मायोनीज। ये खुद तैयार करते हैं? खुद ही तैयार करते। और ये जनाब खीरे, वही खट्टे खीरे। हाँ नहीं खट्टे खीरे तो है, मुखलल कहते हैं, मुखलल मुशक्कल ये। हाँ अचार, ये हमस है जी। ये मैंने आपको दिखाया पहले। और ये देखें, ये सबसे अच्छी चीज़ जो है ना वो ये पसंद आई है मुझे कि हर खाने के साथ इन्होंने जनाब ये दी हुई है, ये प्याज की जो तुरी होती है। तो इंशाल्लाह ताला जी अभी शुरू करते हैं, देखते हैं। यकीनन आपको मज़ा आपको नहीं आएगा क्योंकि खा मैं रहा हूँ, आपको सिर्फ बता रहा हूँ।